हमारा देश इस साल अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज हम भारत के एक महान व्यक्तित्व प्रफुल्ल चंद्र राय को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री उनके जीवन और कार्यों को दर्शाती है। प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म 2 अगस्त 1861 में जैसोर जिले के ररौली गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके माता पिता हरीश चंद्र रे और भुवन मोहिनी देवी उच्च शिक्षा को महत्व देते थे। उन्होंने अपने घर में एक पुस्तकालय भी बना रखा था। बंगाल के कई सांस्कृतिक और बौद्धिक विद्वान हरिश्चंद्र रे के मित्र थे। प्रफुल्ल रे की शिक्षा उनके पिता द्वारा उनके गांव में स्थापित स्कूल में शुरू हुई। उनकी बचपन से ही अध्ययन में बड़ी रुचि थी। पाठ्य पुस्तकों के अलावा वे इतिहास और भूगोल जैसे विषयों में भी रुचि रखते थे। अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिलवाने के लिए 1870 में हरिश्चंद्र रे स्थायी रूप से कलकत्ता चले गए। 1871 में प्रफुल्ल रे और उनके बड़े भाई नलिनीकांत को डेविड हेयर द्वारा स्थापित हेयर स्कूल में भर्ती कराया गया। 1874 में प्रफुल्ल रे ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित एल्बर्ट स्कूल में प्रवेश लिया। 1879 में उन्होंने एल्बर्ट स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन कॉलेज, जिसे अब विद्यासागर कॉलेज कहा जाता है, में प्रवेश लिया। प्रफुल्ल रे को विज्ञान की पढ़ाई के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था, जहां रसायन विज्ञान के शिक्षक अलेक्जेंडर पैडलर के लेक्चर सुनकर रे के मन में रसायन शास्त्र के प्रति जिज्ञासा और उत्साह पैदा हुआ। हरीश चंद्र रे कम से कम अपने एक बेटे को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजने की महत्वाकांक्षा रखते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। उनके सपने साकार होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर प्रफुल्ल रे ने अपनी लगन एवं मेहनत से 1882 में गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति की प्रतियोगिता जीती और ब्रिटेन में अध्ययन करने चले गए। प्रफुल्ल चंद्र रे को एडिनबरा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना था, जो विज्ञान की पढ़ाई के लिए मशहूर था। उन्हें वहाँ अलेक्जेंडर क्रम ब्राउन ने पढ़ाया, जो रसायन विज्ञान विभाग के प्रमुख थे और उस समय के सबसे बड़े रसायनज्ञों में से एक थे। 1885 में प्रफुल्ल रे ने अपनी बीएससी प्राप्त की और 2 साल बाद अकार्बनिक रसायन विज्ञान में टीएससी। उन्हें 1887 में यूनिवर्सिटी केमिकल सोसाइटी का उपाध्यक्ष भी चुना गया था। प्रफुल्ल रे को होप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसकी मदद से अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 वर्ष की अवधि के लिए उन्होंने अपने शोध किए। उनकी थीसिस का शीर्षक था कंजुगेटेड सल्फेट्स ऑफ द कॉपर मैग्नीशियम ग्रुप, अ स्टडी ऑफ आइसोमॉर्फस मिक्सचर एंड मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। ब्रिटेन से वापस आकर प्रारंभ में प्रफुल्ल रे ने अपने मित्र जगदीश चंद्र बोस के साथ उनकी प्रयोगशाला में 1 वर्ष काम किया। उनकी मुलाकात जगदीश चंद्र बोस से लंदन में हुई थी। अगस्त 1888 से जून 1889 के बीच लगभग 1 साल तक प्रफुल्ल रे को नौकरी नहीं मिली थी। यह समय उन्होंने कलकत्ता में जगदीश चंद्र के घर पर बिताया था। 1889 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्हें रसायन विज्ञान का सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते समय प्रफुल्ल चंद्र रे ने सोचा कि बंगाल के प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग वहाँ के गरीब लोगों को खिलाने के लिए कैसे किया जा सकता है। उन्होंने विज्ञान की सहायता से आवश्यक वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता को महसूस किया। प्रफुल्ल रे इस आदर्श के विश्वासी थे कि उद्योग विज्ञान से पहले आता है। भारत के ज्ञान भंडार के माध्यम से वे एक उद्योग की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने 1892 में 700 रुपये के निवेश के साथ
बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की। यह औपनिवेशिक भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम था। जब बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स शुरू हुआ, तब रे अपने कई बुनियादी उत्पादों के साथ प्रयोग कर रहे थे। उनकी पहली प्राथमिकता रासायनिक उत्पादन की थी। नींबू के रस से साइट्रिक एसिड बनाने का उनका पहला प्रयास विफल हुआ, क्योंकि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। रासायनिक उद्योगों को काफी पूंजी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। प्रफुल्ल रे ने जल्द ही महसूस किया कि फार्मास्यूटिकल उत्पादनों का बाजार अधिक तैयार है। उन्होंने ब्रिटेन से आयात की जाने वाली दवाओं की मात्रा के बारे में पता लगाने के लिए कलकत्ता की दवा की दुकानों की जांच की। फार्मास्यूटिकल एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और व्यवसायीकरण का क्षेत्र था। उन्होंने इंग्लैंड में देखा था कि फार्मास्यूटिकल सामग्रियों को गुप्त रखा जाता है, इसलिए उन्होंने मूल बातें जानने के लिए फार्मास्यूटिकल जर्नल, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जेम्स कूली की अ साइक्लोपीडिया ऑफ प्रैक्टिकल रिसीप्ट्स जैसी पत्रिकाओं को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने सोडा के सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फेट जैसी कुछ बुनियादी अवयवों को स्थानीय रूप से प्राप्त करने और उत्पादन करने की समस्याओं को हल किया। उन्होंने पाया कि अधिकांश ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल दवाओं का उत्पादन बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। उन्होंने इन दवाओं को स्थानीय दुकानदारों से खरीदे गए पुराने जारों में बोतल बंद किया। ग्राहकों ने धीरे धीरे उनके उत्पादों को स्वीकार किया। इस काम में उनके सहायकों में से एक डॉक्टर अमूल्य चरण बोस ने कलकत्ता के डॉक्टरों के बीच जोरदार प्रचार किया। जल्द ही डॉक्टर नीलरतन सरकार और डॉक्टर सुरेश प्रसाद सर्वाधिकारी जैसे चिकित्सकों ने बंगाल केमिकल की दवाएं इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। प्रफुल्ल रे ने अपनी छोटी सी प्रयोगशाला और कारखाने से ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और पश्चिम के पूंजीवाद को चुनौती दे दी थी। सन 1900 तक बंगाल केमिकल को एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में बदल दिया गया। बड़े पैमाने पर कंपनी के कार्यों का विस्तार करने के लिए कलकत्ता के उपनगरीय इलाके में जमीन का एक भूखंड खरीदा गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए उत्तर 24 परगना में पानीहाटी नाम की जगह पर एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट स्थापित किया गया, जो शायद भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा था। 1920 में कंपनी ने एक और कारखाना स्थापित करने के लिए पानीहाटी में लगभग 45 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। 1930 के दशक तक बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स में 2000 श्रमिक काम कर रहे थे और कंपनी की शुद्ध संपत्ति 50 लाख रुपए थी। द्वितीय विश्व युद्ध प्रफुल्ल रे और बंगाल केमिकल्स के लिए नए अवसर लेकर आया। सैनिकों के लिए आवश्यक दवाओं की मांग बढ़ गई थी। 1942 में दो उत्पादन इकाइयों को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। प्रफुल्ल रे ने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र कॉटन मिल्स, बंगाल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बंगाल पॉटरीज, बंगाल एनामेल वर्क्स, बंगाल स्टीम नेविगेशन, बंगाल पेपर, बंगाल कैनिंग एंड कॉन्डिमेंट, नेशनल टेनरीज, चक्रवर्ती चैटर्जी एंड कंपनी लिमिटेड और भारतीय स्केल्स एंड इंजीनियरिंग जैसे नए उद्योगों की भी स्थापना की। 16 जून 1944 को प्रफुल्ल रे की मृत्यु के बाद बंगाल केमिकल्स ने अनिश्चितता के दौर में प्रवेश किया, जो देश के विभाजन से और खराब हो गया। कंपनी ने दवाओं का उत्पादन जारी रखा, जिसमें क्लोरोक्वीन से लेकर नेप्थालिन बॉल्स और फिनाइल एक्स तक सब कुछ तैयार किया जाता था। लेकिन गड़बड़ होती आर्थिक स्थिति के कारण 1980 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्रफुल्ल चंद्र रे एक जन्मजात देशभक्त थे। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में अपनी नौकरी के कारण प्रफुल्ल रे शायद ही कभी राष्ट्रवादी आंदोलन में सीधे भाग लेते थे, लेकिन वे जानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना भारत की आर्थिक प्रगति असंभव है। 1924 में असहयोग आंदोलन के दौरान
प्रफुल्ल रे ने घोषणा की, विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन स्वराज नहीं कर सकता। 1885 में उन्होंने एडिनबरा विश्वविद्यालय में लॉर्ड रेक्टर सर स्टैफर्ड नॉर्थ द्वारा घोषित एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में विषय था विद्रोह से पहले और बाद का भारत। उनका निबंध भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत आलोचनात्मक था। हालांकि उनका निबंध सबसे अच्छा नहीं माना गया, पर परीक्षकों ने प्रफुल्ल रे के लेख को सर्वोत्तम के निकटतम के रूप में स्वीकार किया। उनके लेख को विश्वविद्यालय के प्राचार्य सर विलियम मुई से अपार प्रशंसा भी मिली थी। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए जा रहे अत्याचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रफुल्ल रे ने निडर होकर अपनी निबंध की प्रतियां वितरित की। स्कॉटिश अखबार द स्कॉट्समैन ने निबंध पर टिप्पणी की, इस लेख में भारत के संदर्भ में अत्यंत ध्यान देने योग्य ऐसी जानकारी है जो कहीं और नहीं मिलेगी। प्रफुल्ल रे की सभी राजनीतिक आंदोलनों के प्रति सहानुभूति थी, चाहे वह नरमपंथी हों, चरमपंथी हों या असहयोग आंदोलन से जुड़े हों। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के लिए उनका स्नेह उनके लेखन के माध्यम से अच्छी तरह से स्थापित है। 1900 के दशक की शुरुआत में बंगाल के लगभग सभी प्रमुख क्रांतिकारियों का प्रफुल्ल रे या बंगाल केमिकल्स के साथ कोई ना कोई जुड़ाव था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उनको एक वैज्ञानिक की आड़ में क्रांतिकारी के रूप में दर्ज किया। क्रांतिकारी जुकंदर पार्टी के अरुण चंद्र गुहा अपनी पुस्तक क्रांति की पहली चिंगारी में नोट करते हैं, युवा वैज्ञानिकों का पहला जत्था प्रफुल्ल रे के आसपास एकत्र हुआ था। उनमें लगभग सभी क्रांतिकारियों की रैंक से थे। मेघनाथ साहा, साहा आयनीकरण समीकरण के लिए जाने जाने वाले एक खगोल भौतिकविद, सत्येंद्रनाथ बोस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट के लिए जाने जाने वाले एक और साइंटिस्ट, और अन्य सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। शोध संबंधी जर्नलों में प्रफुल्ल रे के लगभग 200 पर्चे प्रकाशित हुए। उनका पहला प्रकाशन ऑन द केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन फूड स्टफ्स 1894 में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में आया था। उसी साल उन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक अधिकारी श्री थॉमस हॉलैंड से खनिज नमूनों की एक बड़ी आपूर्ति एकत्र की। इस प्रयास में उन्होंने मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की। इस काम की रिपोर्ट दिसंबर 1895 में एशियाटिक सोसाइटी की बैठक में पढ़ी गई और 1896 में इसकी पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1902 में उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री का पहला खंड प्रकाशित किया और दूसरा खंड 1909 में। यह कार्य प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियों और शास्त्रों के माध्यम से कई वर्षों की खोज का परिणाम था। यह किताबें विश्वविख्यात हुईं और इनके माध्यम से दुनिया प्राचीन भारत के विशाल रसायन ज्ञान से पहली बार परिचित हुई। प्रफुल्ल रे 1910 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के फेलो बन गए। सन 1911 में अंग्रेज सरकार ने उनको CIE की उपाधि दी थी तथा कुछ वर्ष बाद नाइट बनाकर सर का खिताब भी दिया। प्रफुल्ल चंद्र रे ने भारत में वैज्ञानिक संस्थानों की बेहतरी के लिए अथक प्रयास किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के प्रारंभिक वर्षों में प्रफुल्ल रे द्वारा 5000 रुपए का अनुदान एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में आया। उनके द्वारा स्थापित इंडियन केमिकल सोसाइटी को छोड़कर 1925 में अखिल भारतीय स्तर की कोई भी वैज्ञानिक संस्था नहीं थी जहां भारतीय वैज्ञानिक अपने शोध कार्य को प्रकाशित कर सके। 1920 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 7वीं वार्षिक बैठक में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रफुल्ल चंद्र रे ने भारत में अध्ययन के व्यवस्था पर एक स्पष्ट संदर्भ दिया, जिसमें एक मुद्दा भारतीयों को औपनिवेशिक सरकार द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षणों से बाहर रखने का था। एक उद्योगपति होने के बावजूद
प्रफुल्ल रे ने एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। विभिन्न उद्योगों के मालिक के रूप में भी उन्होंने कभी कोई वेतन नहीं लिया। वे सादे जीवन का प्रतीक बन गए थे। वे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के एक कमरे में रहते थे। इस कमरे के फर्नीचर में बस एक लोहे की चारपाई, एक छोटी मेज, एक छोटी कुर्सी और किताबों से भरी एक अलमारी थी। महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा था, यह विश्वास करना मुश्किल है कि साधारण भारतीय पोशाक में अत्यंत शिष्टाचार वाला व्यक्ति महान वैज्ञानिक और प्रोफेसर हो सकता है। अपनी आत्मकथा में प्रफुल्ल रे के बारे में महात्मा गांधी ने गोखले के साथ एक महीना अध्याय में लिखा है, गोखले मुझे उन सभी महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाते थे जो उनसे मिलते थे। इनमें से जो मेरी याद में सबसे आगे हैं वे हैं डॉक्टर अफसर पीसी रे। डॉक्टर रे का परिचय गोखले ने कुछ इस तरह दिया, यह प्रोफेसर रे हैं जिनका मासिक वेतन 800 रुपए है। सिर्फ 40 रुपए अपने लिए रखकर शेष राशि को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देते हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया है और न ही करना चाहते हैं। प्रफुल्ल चंद्र रे ने एक वैज्ञानिक और एक औद्योगिक उद्यमी दोनों के गुणों को जोड़ा था। अधिकांश इतिहासकार उन्हें भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके काम ने युवा पीढ़ियों को विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, कॉलेजों और फार्मास्यूटिकल हाउस में उपयोगी शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रफुल्ल रे की आत्मकथा लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ए बंगाली केमिस्ट 1932 और 1935 में दो खंडों में प्रकाशित हुई, जिसमें एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अपनी प्रेरणाओं और भारत में उनके जीवन काल में व्यापक परिवर्तनों के बारे में लिखा है।